इतना तो बना के रखा था ना। चाय छाड़ा क्या? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है गाइस नए वीडियो में। आज भी गाइस करंट उड़ चुका है। सुबह सुबह दो तीन दिन से यही चल रहा है, इस समय करंट उड़ जाता है, घर में नहीं रहता है। कल हुआ था बारिश तो आज बहुत ठंडा है, बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है। वैसे धूप तो निकला है। आज से होली मना रहे हैं सब। सुबह सुबह दूध लेके आया था, इतना ज्यादा गर्म हो गया, सूख गया पूरा। और ड्राइंग भी करेंगे, पहले नाश्ता तो कर लो। और ये भी खोल देते हैं। Many TikToks later. तो गाइस दोपहर का समय है और अभी सीधा लंच करते हैं, उसके बाद आएंगे ड्रॉ करने। कल मैं इतना बना के रखा था और आज देखते हैं कितना कंप्लीट करेंगे। एंड गाइस बाहर आज तो धूप दे रहा है, तीन चार दिन से धूप अच्छे से निकला नहीं, आज थोड़ा अच्छा लग रहा है धूप आया है तो। नहीं तो भाई इतना ज्यादा बारिश हुआ था कल, ये देखो फील्ड में भी पानी दिखेगा आपको, ये देखो फील्ड भी पानी से भर गया था। तो अभी थोड़ा देर बाद लंच करेंगे, मम्मी जी खाना बना रही है। वैसे क्या बन रहा है? अंडा करी बनेगा आज। ये जो ड्रॉइंग है ये जल्दी से कम्प्लीट हो जाए बस, उसके बाद में इसी टाइप के एक सिमिलर फोटो बनाएंगे राधा कृष्ण जी का। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उस ड्राइंग के लिए। अब इसी टाइप का फोटो भी तो मिलना चाहिए, नहीं तो फिर कैसे बनाएंगे? खोजेंगे, ऐसा रेफरेंस फोटो मिल गया तो भाई अच्छा बात। ये भी हो ही जाएगा आज, लग रहा आज नहीं तो कल, दो दिन में ये कम्प्लीट हो जाएगा। तो कल ना बारिश हुआ था तो भाई पूरा दरवाजा वरवाजा सब बंद कर दिए थे, हवा हवा चल रहा था ना, इसको खोला जाए ये बात। पास चला गया भाई, वहां से हटने का नाम नहीं है। अच्छा लग रहा है भाई, इतना करीब से बहुत दिनों बाद देख रहे हैं। तो लंच में हो रहा है अंडा करी, यहाँ पे टमाटर का ये बनेगा, क्या बोलते हैं, चोखा है? तो गाइस लंच करने के बाद भाई भयंकर नींद लग रहा है, तो मैं थोड़ा देर सो भी गया। फिर मेरे को याद आया कि भाई मेरे को ड्रॉ करना है, तो मैं अचानक से उठा और इधर आया हूँ और ड्रॉ करते हैं। यही चीज है, दोपहर में बहुत जोरदार नींद आता है भाई। कलर तो यूज कर रहा हूँ, खराब तो नहीं लग रहा है, ठीक ठाक कलर में तो सब कुछ अच्छा लगता है। देखो मैं तो पूरा अपने हिसाब से कलर कर रहा हूँ, कहीं पे मैं फोटो वोटो नहीं देख रहा हूँ कैसा कौन सा कलर है। ये जो ड्राइंग है गाइस मैं पूरा माला से भर दूंगा जिससे थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो अभी गाइस थोड़ा देर ब्रेक लेते हैं, बहुत देर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, लगभग कितना होगा 2 घंटा से। आज मेरा शोल्डर पेन कर रहा है पता नहीं क्यों। थोड़ा देर रेस्ट करते हैं उसके बाद फिर ड्रॉ करेंगे। तो गाइस शाम हो चुका है और मम्मी जी अभी चाय, मस्त गर्मा गर्म चाय बनाई है। और गाइस आप कहते हो ना जैक भाव की तरह है, ये समय में क्या करता है ये देखो। ये शाम को दोपहर को सो जाता है
और वीडियो कब लू इसका, यही है दिक्कत। अब ऐसे दोपहर को नींद भी लगता है, खाना वाना खाने के बाद नींद लगता है, अगर सो गया तो भाई सो ही जाएगा, अगर कुछ काम करोगे तो भाई नींद टूट जाएगा। तो मैं जैसे ड्रॉ करता हूँ तो मेरे को नींद नहीं लगता है। भाई लोग बैठे रहते हैं, फोन चलाते हैं, तो भाई हड़बड़ा के मम्मी सोच रहे चाय कौन सा फोन को प्रोसेसिंग हो रहा दिमाग में अभी। तो ये देखो गाइस, गर्मा गर्म चाय पियेंगे और इधर चल रहा है ब्लॉग, ब्लॉग देख के मम्मी रोटी वोटी बनाएगी। आज थोड़ा जल्दी बनाना पड़ेगा क्योंकि बारिश बारिश हो रहा है ना, तो करंट टूट जाएगा रात को। शाम को पकौड़ा करंट टूट जाएगा ना, फिर दिक्कत है। अभी फट से बनाना है रोटी वोटी। आज सोच रहे हैं पकौड़ा बनाएंगे, पकौड़ा बने या रोटी बने, कुछ भी बने। करंट के ऊपर है, बिजली बादल गरज रहा है, चेयर्स लाइन रहेगा तो रोटी पकाएंगे, लाइन नहीं रहेगा तो गैस में मुड़ी या पकोड़ा। बस सीधा सरल खाना, सीधा सरल नहीं है, रोटी पकाने के लिए वो गैस में वो तवा डालेंगे ना तो फूल जाता है, एक तो तवा वैसे गीला। हाँ हाँ, तो इंडक्शन वाला कढ़ाई फिर जो भी सामान की बोले तवा हुआ जो भी है। देखो ये वाला तवा गैस में जला जला के हम बुझाया। कौन सा? रुको, हाँ फूल गया देखो। हाँ नीचे से गया है, फूल गया। गैस का चलते किया। वो गैस में कैसे यूज करते हैं, वो गैस में यूज नहीं किया जाता है। हाँ, तो वो फूल गया नीचे से, वो इंडक्शन के लिए होता है। इंडक्शन में बन रहा है और बीच में करंट टूट गया, तो फिर उसको ट्रांसफर करते थे गैस में, उसी चक्कर में वो फूल गया नीचे से, वो बेकार पड़ा हुआ है अभी इधर। देखते हैं पकोड़ा, आज तो लहसुन प्याज यूज कर सकते हैं, इसीलिए अच्छा पकोड़ा बनेगा, नहीं तो फूल गोभी क्या पत्ता गोभी का पकोड़ा बनाते हैं ऐसे। तो फट से गाइस चाय पीते हैं और देखते हैं, करंट रहा तो मैं भी ड्रॉ करने चला जाऊंगा, नहीं तो फिर पकौड़ा बनाएंगे साथ में मम्मी जी के साथ। तो गाइस इतना बनाया हूँ, ये सब फूल थोड़ा ऐड किया हूँ, थोड़ा बहुत बॉर्डर भी दिया हूँ ब्लैक पेन से। तो ये बना रहा था और इधर देखते हैं क्या हो रहा है। आज बनने वाला है शायद गाजर दा हलवा। वो क्या गाजर दा हलवा होगा? तो यही है आज का डिनर। तो गाइस थोड़ा देर और ड्रॉ किया तो अभी कुछ ऐसा लग रहा है, सही लग रहा है। बस एक चीज है, ये जगह थोड़ा खराब लग रहा है, ये वाला पार्ट ठीक करेंगे, लेकिन आज यहीं पे छोड़ते हैं, अब बाकी मैं कल देखूंगा। तो मम्मी जी गाजर दा हलवा बना रही है। अरे बाप रे, तो पापड़ पकोड़ा भी बना। हाँ हाँ हाँ, पकोड़ा बहुत सही लग रहा है। ये ड्राइंग को यहीं पे छोड़ते हैं, अब बाकी मैं कल देखेंगे, खराब तो नहीं लग रहा है, बाकी अब कल देखते हैं, कुछ ठीक कर पाया तो कर देंगे। तो गाइस अभी चाय बना रहा हूँ, चाय रोटी गाजर का हलवा और भैया खा रहा है मूढ़ी। मम्मी जी क्या खाएंगे? मूढ़ी रोटी। रोटी और इधर गाजर का हलवा भी बन चुका है, मतलब इसमें घी और गुड़ दबा के यूज किया गया है। तो मैं इधर चाय बना रहा हूँ। तो ये देखो चाय बन चुका है, चाय छाड़ा क्या चाय जैसा भी हो अच्छा होता है हमेशा हेल्दी हो या ना हो भाई नजर में तो अच्छा ही लगता है। तुम कौन टल में? चाय पी पी के सिर्फ मोटा हो रहा हूँ। ये है मेरा और है ये इसका। तो दोस्तों अभी अभी जस्ट डिनर कंप्लीट हुआ है और इस ब्लॉग को भी गाइस यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।